Hello everyone, I'm Dr. Abhishek Chaudhary and I welcome you all to this wonderful session on a very interesting remedy जिसके बारे में आपने already बहुत कुछ पढ़ रखा होगा, सीख रखा होगा and that is pulsatilla. तो मैं आपको और क्या कुछ बताऊँ इसके बारे में. पल्सटिला के बारे में एक चीज़ जो आपने हमने सबने सुनी है और बहुत पहले सुनी है कि पल्सटिला इज़ एन आइडियल लेडी, आइडियल फीमेल. तो ये जो आइडियल शब्द है इसके क्या मायने हैं? देखिए, हमारा जो टेक्स्ट है, जो पुरानी मटेरियल मेडिकल्स में जो लिखा गया है, वहाँ वर्ड का यूज़ किया गया है इफेमिनेट. इफेमिनेट इज़ अ रूब्रिक एज वेल, यानी ऐसा जो जिसमें फीमेल की क्वालिटीज़ हों. हिंदी ट्रांसलेशन आप बोलेंगे तो नारी के जैसा. लेकिन फिर क्या क्वालिटीज़ हैं? तो फीमेल को ऐसा माना जाता है कि फीमेल माइल्ड होती है, जेंटल होती है, इमोशनल होती है, वो डिपेंडेंट है, हाउस होल्ड वर्क करती है. ये पुराने समय में ऐसा जो लिखा गया है उसके मायने हैं. लेकिन समय बदलने के साथ में अब आज के टाइम पर अगर आप मुझसे पूछें, और हम देखते भी हैं, तो फीमेल आर मोर इंडिपेंडेंट, फीमेल आर स्ट्रॉन्ग. वो घर की जिम्मेदारियां भी निभाती है, अपना काम भी करती है. तो जो आइडियल फीमेल आप कहते हैं उसकी परिभाषा कुछ बदल गई है. अगर आप मुझसे पूछेंगे कि विच इज़ एन आइडियल फीमेल कॉन्स्टिट्यूशन इन होम्योपैथी, आई विल से कि एनीथिंग बट पल्सटिला. एनी कॉन्स्टिट्यूशन बट पल्सटिला. पल्सटिला को छोड़ के बाकी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, देर आर वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन. सीपीआर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन शी इज़ हेल्दी, इन हर हेल्दी स्टेट. वेरी आइडियल पार्टनर can be a sepia constitution, a natremure constitution, a calcarea constitution. Pulsatilla, on the other hand, are really difficult to live with. पुराने समय में जो टेक्स्ट लिखे गए हैं, that she is mild, gentle, yielding disposition, तो वो पुराने authors और वेल प्रॉबेबली दे वर सल्फर, कि उन्होंने चीज़ें लिखी हैं पर उसके पीछे का डीप मीनिंग जो है वो बहुत है. उस डीप मीनिंग को हम अभी भी समझ रहे हैं, उसको समझने की कोशिश इतनी नहीं की गई है. तो पुराने ऑथर्स लाइक केंट, बोगर, क्लार्क, नैश, इन सबको जो उन्होंने बातें कुछ शब्दों में कह दी है, उसके पीछे की डीप मीनिंग को समझना ज़रूरी है. क्यों वो यील्डिंग है? पल्सटिला जो काम करती है, किसी के लिए कुछ भी करेगी, उसके पीछे उसकी सेल्फिशनेस है. एक रूब्रिक है सेल्फिशनेस, उसमें आप देख सकते हैं पल्सटिला इज़ अ वेरी सेल्फिश वन. उसको अगर किसी से कोई फ़ायदा हो रहा है तो वो काम को करेगी, उसके प्रति, किसी के ऊपर वो डिपेंड है. फॉर एग्जांपल अ मदर, इफ़ शी इज़ डिपेंडेंट ऑन वन ऑफ हर चाइल्ड, कोई बड़ा बेटा है उसका जिसके ऊपर वो बहुत डिपेंडेंट है, वो उसकी सारी बात मानता है. क्यों मानता है? क्योंकि वो जो है उसके लिए अच्छा अच्छा चीज़ कुक करती है, प्रिपेयर करती है, उसकी केयर करती है, सोचती है इसको कहीं से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए. क्योंकि अगर तकलीफ होगी तो इसके ऊपर जो उसका सपोर्ट है वो हट जाएगा. तो पल्सटिला इस इन दिस सेंस शी इज वेरी मैनिपुलेटिव. मैनिपुलेटिव, सबसे मैनिपुलेटिव कॉन्स्टिट्यूशन में पल्सटिला इज द रेमेडी.
अफेक्शन के कई रूप देखना आपको देखेंगे आप कि उसको अफेक्शन का डिज़ायर है, वो सामने वाले से भी चाहेगी। अगर कोई बात हुई, मान लो हस्बैंड ने उसको डांट दिया, कुछ कर दिया, तो वो अपने बेटे से बोल रही है कि अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उन्होंने मेरे को इतना परेशान किया, मुझसे इतना काम कराया, और इस तरह से बोलेगी विथ द वीपिंग। तो फिर जो बच्चा है वो फिर चूँकि बड़ा लड़का है, जवान लड़का है, तो वो अपने मदर के प्रति उसकी जो अफेक्शन है, जो उसका स्नेह है, उसकी वजह से वो अपने फादर को डांट रहा है कि अरे आप कैसे बात करते हो हमारी माँ से। तो एंड फादर इज सरप्राइज्ड कि अरे ऐसा क्या बोल दिया कि मेरा बेटा मुझे ही डांट रहा है। बट इट इज दिस मैनिपुलेटिव टेक्निक ऑफ पल्साटेला दैट एनफोर्स्ड हर चाइल्ड टू टॉक टू हिज फादर इन सच अ रैश टोन। और थोड़ी देर बाद उसका मूड चेंज हो जाएगा, वो अच्छा डांट दिया बेटे ने, हो गया, तो अब वो खुश है, शी स्टार्ट्स स्माइलिंग। सो हम पढ़ते हैं चेंजेबिलिटी। पल्साटेला को बोला जाता है जैसे जिधर हवा बही, विंड फ्लावर है ना, हवा जिधर बही उस तरफ उसका डायरेक्शन बदल गया, चेंज हो गया, इसलिए भी वो यील्डिंग है। और वेदर कॉक अमोंग रेमेडीज, वेदर कॉक क्या होता है, वेदर कॉक जो आपने देखा होगा इंडिया में काफ़ी कम यूज़ होता है, बट इन फॉरेन कंट्रीज वो यूज़ करते हैं, एक डायरेक्शन वाला एरो जो आप स्क्रीन पे देखिए, जिधर हवा चलती है उस तरफ उसका डायरेक्शन हो जाता है, दैट इज़ द वेदर कॉक अमोंग रेमेडीज। लाइक एन अप्रैल डे बोलते हैं, जैसे अप्रैल में मौसम चेंज होता है, सुबह कैसा है मौसम है, ठंडा है, फिर दोपहर होते होते गर्मी होती है, शाम होते होते बारिश हो जाती है, सो चेंजेबिलिटी है लाइक एन अप्रैल डे। ठीक है, बच्चों में आप देखेंगे कई बार कि, और ये चीज़ मैंने बच्चों के अलावा बड़ों में भी देखी है, मेरे पास एक लेडी आती थी अराउंड 50-55 ईयर्स ऑफ एज, और वो कुछ ल्यूकोरिया वगैरह के लिए वो आई थी, और मैंने आस्क्ड हर कि खाने में क्या पसंद है, शी इज़ कन्फ्यूज्ड। तो एक रूब्रिक है कि कन्फ्यूज्ड इन टेलिंग हर कंप्लेंट्स, और फिर मैंने पूछा कि अच्छा मीठा पसंद है, नमकीन पसंद है क्या। सो व्हाट वाज दैट, दैट वाज अ नॉडिंग। ऐसा आप बच्चों में भी देखेंगे, इस तरह से बस मुंडी हिलाकर जवाब देना, तो आंसर्स नॉडिंग बाय या नॉड्स बाय। और फिर घर गई, अगर डॉक्टर अच्छा लगा उसको तो वो फिर अपने हस्बैंड से बताएगी कि हाँ डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से बात किया। लेकिन अगर डॉक्टर ने मान लीजिए हार्शली बोल दिया या हार्शली ट्रीट किया कि अरे आप कुछ बताओगे नहीं तो मैं कैसे दवा दूंगा, एंड शी विल बी कि घर जाके अरे तुम कैसे डॉक्टर के पास मुझे लेके गए थे, अपने हस्बैंड से बोलेगी कि कैसे डॉक्टर के पास तुम मुझे लेकर गए थे, हाँ उन्होंने तो ठीक से मतलब इतने अच्छे ढंग से तो बात भी नहीं किया, जैसे डांट कर बात कर रहे थे। सो रूबरी का है केयर इट डिजायर टू बी स्लोली, उसको प्यार से उसको कैरेस करो, कैरेस्ड में भी है वो, और केयर इट डिजायर टू बी स्लोली है सारी चीज़ें, उसको जेंटली आप करिए। अगर आप उसको हार्शनेस दिखाएंगे थोड़ा भी, शी इज़ वेरी सेंसिटिव टू दैट हार्शनेस। ऐसा फीमेल के केसेस में, बच्चों के केसेस में भी देखा है। मेरे पास एक 11 ईयर्स ओल्ड एक बार एक लड़की आई, थोड़े दिन पहले की बात ही है, तो जब अच्छा
by look, her face looked very young. She looked very young for her age. वो ऐसा लगा कि अभी तो 7-8 साल की है face wise. आप रूबरिक देख सकते हैं, फेस यंग लुकिंग अलोंग विथ, बिकॉज ट्यूबरकुलर मायाजम हैज दिस टेंडेंसी एज वेल, एंड सो दैट्स वाई देर इज ट्यूबरकुलिनम, बट देर इज पल्साटिला एज वेल. पल्साटिला लुक्स यंग, एंड ये यंग जो फेस पर है उसके, ये ना ये आपको आगे फर्दर इन लाइफ एडल्टहुड में भी. मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ याद है कि एक बार एक हस्बैंड ने ऐसा कंप्लेंट किया कि अरे सर मेरी ना एक बार ये कंघी जो है जिससे मैं कंघी करता हूँ वो थोड़ी सी टूट गई थी एक जगह से. तो मेरी वाइफ जो है बोलती है ये क्या तुम है ना पुरानी पुरानी चीज़ें यूज़ करते हो ना, नहीं खरीद लो. तो उसने बोला कि नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, अभी काम तो चल रहा है. तो उसने पकड़ के उसको तोड़ दिया. बोलता है कि एक बार मेरा टॉवेल हल्का सा एक जगह से फट गया था. तो बोलती है कि क्यों ये जो टॉवेल है ये फटा हुआ क्यों यूज़ कर रहे हो. और उसने पकड़ के उसको फाड़ दिया कि नया लेके आओ. तो इम्पल्सिव है, चाहे ये छोटी छोटी चीज़ों में या रिलेशनशिप में भी. इम्पल्सिव है लाइक अ गर्ल है वो अभी भी. और इम्पल्सिव ऐसे मॉर्बिड इम्पल्सिव है, पैथोलॉजिकली इम्पल्सिव हैं ये, नुकसान पहुंचाने वाले इम्पल्सिव हैं. देखिए इम्पल्सिव मॉर्बिड. और इसी पेशेंट ने बताया मेरे को, उसके हस्बैंड ने बताया कि सर ये सुबह के टाइम कोई काम करना रहता है, कोई हाउस होल्ड वर्क करना रहता है, कोई भी हाउस होल्ड वर्क करना हो तो ये ना मतलब ऐसा इसको मन नहीं होता सुबह के टाइम में. बोलती है मेरी हिम्मत नहीं हो रही काम करने की. सो पल्साटिला इज गिवन इन इंडोलेंस एज वेल, हल्स में भी है वो. उसके साथ ही साथ में डिस्करेज्ड मॉर्निंग इन बेड एंड डिस्करेज्ड वर्क विथ एवर्जन टू, डिस्करेज्ड है विथ वर्क एवर्जन टू. साथ में इंडोलेंस में भी है, आलसी तो है ही बट डिस्करेज्ड भी है काम को लेके. तो उसको ऐसा लगता है कि सुबह अरे ये काम करना है वो काम करना है. घर में इन्वॉल्व लेडी तो है लेकिन उसके साथ में उसको बहुत सारी चीज़ों की इस तरह की केयर एंड वरीज होती है. तो रूब्रिक है केयर वरीज डोमेस्टिक अफेयर्स अबाउट. बच्चों में एक चीज़ ये भी देखी है मैंने और आप ही देखेंगे कि कई सारे पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बहुत ना खाने में ये लालच दिखाता है, ये भी खाता है, ये भी ले लेता है, वो भी ले लेता है, ऐसा उसको कोई फिक्र नहीं है. ये चीज़ आप बड़े लोगों में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. घर में कुछ कोई आइसक्रीम आई कोई मतलब नहीं कि किसी को शेयर करना है कुछ करना है, खुद ही लिया पूरा ब्रेक और लेकर बैठ कर खा लिया. शी इज़ अ मैरिड वुमेन, उसके बच्चे भी हैं पर उनसे कोई मतलब नहीं, पहले मेरे को चाहिए. तो सेल्फिश है वो, यहाँ पर सेल्फिशनेस अपेरेंटली दिखेगी आपको. और साथ ही साथ में कि ग्रीड एंड क्यूपिडिटी इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, बहुत सारी रेमेडीज हैं उसमें. उसमें लाइकोपोडियम भी है, उसमें कैल्केरिया भी है, बट पल्साटिला इज आल्सो. तो ये लालच है उसके अंदर. क्लिनिक में आएंगे तो क्लिनिक में आके भी आपको इस तरह की चीज़ें दिखेंगी, पैसे को लेके. हो सकता है आपसे मोलभाव भी करे, इसलिए बार्गेनिंग में भी है कि आप इतना चार्ज कर रहे हैं डॉक्टर, ये कर रहे हैं, थोड़ा आप इधर इसको है ना कम में दे दीजिए, इतनी फीस आपकी आप है ना हर बार ले रहे हैं तो फीस है ना मेरे बच्चे की मत लीजिए, लाइक दैट. तो बार्गेनिंग में भी है, एविडेंस में तो है ही. मेरे पास एक लेडी आती थी जिनको
रूमेटॉइड आर्थराइटिस थी, हम बात करते हैं आर्थराइटिस के केसेस में या किसी भी तरह के रूमेटिज्म के केसेस में पल्सेटिल इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेमेडीज। ऐसी प्रॉब्लम्स जहाँ पे पैरों को नीचे लटकाने से एग्रवेशन हो या लॉन्ग टाइम तक खड़े रहने पर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, अकेले पैर में ही नहीं इन जनरल भी अगर लंबे टाइम तक खड़े रहने पे, स्क्विला जो है वो हमारे दिमाग में आती है। स्क्विला में हम पढ़ते हैं कि शॉप गर्ल्स में ऐसा होता है, जो ऐसी फीमेल्स जो स्टोर्स वगैरह पे काम करती हैं जहाँ उनको हील्स पहन के रखना पड़ता है, तो उनमें अगर एट द एंड ऑफ द डे शाम के टाइम पेन वगैरह होता है तो स्क्विला इज़ अ ग्रेट रेमेडी। बट पल्सेटिला को पैरों में भी दिक्कत हो सकती है या लंबे टाइम तक खड़े रहने से हो सकता है कहीं और भी दिक्कत हो, हो सकता है बैक में पेन होने लगे, शोल्डर में पेन होने लगे, सर में दर्द होने लगे, कुछ भी, और पैरों में तो होता ही है। तो स्टैंडिंग लॉन्ग में भी आप देख सकते हैं। तो वो आती थी तो उनका एक चीज़ कहना था, मैंने पूछा कि आपकी ये जो बीमारी है इसके बारे में क्या सोचते हैं। बोलते हैं कि सर ये ना मेरा तो जीवन ही ऐसा है, मुझे ना मतलब ना मुझे बचपन में ढंग से केयर किया मेरे माता पिता ने, उन्होंने ढंग से कुछ खाने को शायद नहीं दिया, कुछ न्यूट्रिशन की कमी हो गई क्या, और मेरी तो स्थिति बहुत ही ख़राब है, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा। तो डिस्पेयर अबाउट रिकवरी और साथ ही साथ में पिटीज वन सेल्फ खुद के ऊपर, इसी के साथ में पल्सेटिला इज डिसकंटेंटेड विथ एवरीथिंग। उसको नहीं पता कि उसको क्या चाहिए, रूब्रिक आप देखेंगे डिसकंटेंटेड एवरीथिंग विथ, उसको खुद को नहीं पता, कुछ भी ऑफर करो उसको नहीं पसंद। और रोना भी, ऐसे बच्चे जो रो रहे हैं, कुछ दिया, कुछ चाहिए दिया, नहीं पता, नहीं नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, फिर भी रो रहे हैं, या बिना किसी कारण से, अगर कोई एडल्ट में भी है ऐसा कि बिना कारण के वो रो रही है। मैंने रही है वर्ड यूज़ किया इस वीडियो में काफ़ी, क्योंकि पल्सेटिला इज अ प्रीडोमिनेंटली अ फीमेल कॉन्स्टिट्यूशन। बट वॉट डू यू मीन बाई फीमेल, प्रीडोमिनेंटली अ फीमेल कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए हम पढ़ते हैं कि दिस रेमेडी सूट्स मोर टू फीमेल या सूट्स मोर टू मेल, तो ऐसा हम ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम ऐसा कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा इस जेंडर को सूट करता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप नक्सवर्मिका किसी फीमेल को नहीं दे सकते, लाइकोपोडियम किसी फीमेल को नहीं दे सकते, या पल्सेटिला किसी मेल को नहीं दे सकते। बस ध्यान रखें कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जो है या ये जो फीमेल है वो नक्सवर्मिका है, तो देने से पहले केस को फिर से एक बार एनालाइज जरूर करें, बिकॉज दे आर द रेयर कंडीशन, लेस ऑफनली यू विल सी लाइक दैट। सो पल्सेटिला कैन बी इंडिकेटेड इन बोथ जेंडर्स। आप हम जानते हैं कि उसको फियर ऑफ अपोजिट सेक्स होता है, ओके, बट अगर बॉयज में, लड़कों में अगर विमेन को लेके इस तरह का फियर है, तो उसमें भी पल्सेटिला इज द ओनली रेमेडी। सो इट कैन बी अप्लाई टू बोथ सक्सेस। सो आई होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसके अलावा पल्सेटिला को हम और डिटेल में पढ़ सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग रेमेडी है। बट स्टिल रिमेंबर दैट पल्सेटिला इज अ रिलेटिवली रेयर कॉन्स्टिट्यूशन इन कंपेरिजन टू द कॉमन कॉन्स्टिट्यूशंस लाइक नेट्रम, कैल्केरिया, सीपिया। It is even rarer than Ignatia, but it is found, so we have to keep an open mind always and free from prejudice.
So that's all for today. Thanks a lot and take care. Goodbye.